ये है दोस्तों गुलमोहर का प्लांट, कई सालों से है। कुछ वक्त तो ये प्लास्टिक में ही रहा और मैंने उसको ग्राउंड में भी ट्रेन किया है, बस स्ट्रेट ब्रांच निकालता रहता है। बस हम टाइम टाइम पर उसको ट्रिमिंग वगैरह करते रहते हैं जिससे ये सब कैरेक्टर डेवलप होते रहते हैं। ज़्यादातर ये स्ट्रेट ही बढ़ता है। देखिए ये हीलिंग वगैरह कितनी ज़बरदस्त तरीके से करता है, और इस बार हमने उसका रिपोर्टिंग किया था। तो अभी ये ग्रो कर रहा है तो मैं विंटर से पहले कुछ यहाँ ट्रिमिंग कर देता हूँ, जैसे कि ये देखिए इतनी लंबी ब्रांच को करेंगे क्या हम, तो फिर उसमें हम कुछ मल्टीप्लाई हो जाए इसलिए हम ट्रिमिंग कर रहे हैं, जिससे कुछ और इसको लंबा ही रखा क्योंकि ये भी लंबा है और ऊपर जाके दो हुआ है, तो उसके साथ कंपेरिजन करने के लिए मैंने उसको थोड़ा लंबा रखा, नहीं तो ये जगह खाली पड़ जाती, इसको ट्रिम कर देते थे। तो ये छोटा है तो उसको हम बढ़ने देंगे, पर इसको अगर बढ़ने देना है तो फिर उसको सेक्रीफाइस करना होगा, यानी उसको कुछ नहीं कर सकते हम उसको कर सकते हैं, इसको ट्रिम कर सकते हैं और इसको साथ लेके चलना है। अगर ये बचती है तो फिर उसको बड़ा करके हम थोड़ा मोटा बनाएंगे। दोस्तों टॉप में चलते हैं। अब टॉप की ब्रांचों को हम ज़्यादा लंबा नहीं रख सकते, तो उसको हम पूरा बैक बडिंग कर सकते हैं यहाँ तक, तो नीचे वाली ब्रांचों को हम थोड़ा लंबा रखे हुए हैं, और इसको हम इतनी सी भी है फिर भी हम उसको ट्रिम करेंगे जिससे यहाँ एपेक्स में कुछ हमें फ़ायदा मिले इस तरीके से। तो हर एक प्लांट की स्ट्रेटेजी अलग रहती है ट्रेनिंग करने की। यहाँ भी मैं ट्रिम कर रहा हूँ, और ब्रांचिंग कैसी होती है उस पर भी ध्यान रखना होता है। इसमें अच्छी नहीं होती और स्ट्रेट की स्ट्रेट ही निकलती रहती है, बट हीलिंग जबरदस्त होता है जो बहुत ही बढ़िया होता है, इसलिए हम हीलिंग करवाने की कोशिश करते हैं जिससे प्लांट में मैच्योरिटी दिखे। इस तरह का देखिए दोस्तों वाउंड क्रिएट हो जाते हैं यहाँ, ये देखिए ये, और नीचे भी जबरदस्त है, बाद में देखते हैं। पहले यहाँ सही तरीके से, यहाँ देखिए सही तरीके से यहाँ कुछ हीलिंग नहीं हुआ है, तो हम यहाँ इस तरह का कट दे सकते हैं, यहाँ ज़बरदस्त हीलिंग हुआ है। तो ये सब मैच्योरिटी के साइन दिखाते हैं। तो इस कटर से अगर हम इस तरह का कट लगा देते हैं तो फिर हीलिंग जो होता है वो ज़बरदस्त होता है, देखिए यहाँ। तो ऐसे ही मैच्योरिटी बढ़ती है, भले ही ग्रोथ स्लो है दोस्तों, पर इस तरह मैच्योरिटी के साथ बढ़ेगा तो फिर स्लो होते हुए भी ये अल्टीमेट लुक लेके आता है। देखिए यहाँ इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है, इस तरह का होल बनते रहते हैं। तो यहाँ आप केवल, मैं अब क्या कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ मैं इस तरह का कट ले रहा हूँ जिससे इसमें मैच्योरिटी डेवलप हो पाए, तो हो ही जाएगी समय समय पे। ये जरूरी है स्टेप्स जिससे हम प्लांट को मैच्योर दिखा सके दोस्तों। भले ही बड़े पत्तों वाला प्लांट है, उपयुक्त ना हो, पर इसमें फ्लावरिंग वगैरह अगर होती है कभी, ना भी हो तो भी मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि हो, बट अगर हम इसे ट्रेन करते रहेंगे तो इसका जो लुक आएगा वो ज़बरदस्त होगा दोस्तों, उसी पे हम ध्यान देते हैं। तो ट्रिमिंग इसका हो चुका है। तो ट्रिमिंग हमने ऊपर की ब्रांचों में ज़्यादा किया, यानी शॉर्ट कर दी है ब्रांचें और नीचे वाली लंबे रखी है, और ये थोड़ा बड़ा ही डिज़ाइन करना पड़ेगा। ज़्यादा छोटा करेंगे तो फिर पत्तों के बीच में पत्ते बड़े होते हैं तो अनुपात नहीं बनता। तो ऐसा प्लांट है जो पत्ते थोड़े बड़े हैं तो वो प्लांट भी बड़ा रखिए जिससे ये ओरिजिनल स्केल आते आते एक मैच्योर ट्री की तरह भी लगे। यहाँ एक और बाकी है, ये यहाँ कट लगाना पड़ेगा। तो इस तरह का कट अगर हम लगाते रहते हैं तो फिर मैच्योरिटी अपने आप दिखती है दोस्तों। ये लगभग करीब 2 फुट या 2.25 फुट का होगा। बड़ा अच्छा लग रहा है, आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना है। और जैसे ही हम रूट एक्सपोज करेंगे उसमें मैच्योरिटी आने लगती है दोस्तों, और नीचे से बहुत ही ज़बरदस्त वाइड भी होता है। यहाँ थोड़ा रिवर्स टेपर सा भी है, बट रेयरनेस ऑफ द ट्री दोस्तों, इसके प्लांट के बोनसाई ज़्यादा नहीं होते तो फिर इस तरह का लुक तो
चलाना पड़ता है, क्योंकि ये अचीव ही नहीं करते कर सकते। ऐसा प्लांट है और ऐसा कुछ मिलता है इस तरह की ब्रांचिंग वगैरह, तो फिर वो एक्सेप्टेबल हो जाता है दोस्तों। उसकी कमियां ही उसकी अच्छाइयां बन जाती है। मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।